इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक कैसे चुनें। इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसे डे ट्रेडिंग के रूप में भी जाना जाता है, में लाभ कमाने के उद्देश्य से एक ही ट्रेडिंग दिन के भीतर स्टॉक खरीदना और बेचना शामिल है। लेकिन इससे पहले कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग में कूदे, ट्रेड करने के लिए सही स्टॉक चुनना महत्वपूर्ण है। तो चलो शुरू हो जाओ। तरलता। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए किसी स्टॉक का चयन करते समय सबसे पहले विचार करने वाली बात उसकी तरलता है। तरलता से तात्पर्य उस सहजता से है जिससे किसी शेयर को खरीदा या बेचा जा सकता है। उच्च तरलता वाले स्टॉक में बहुत अधिक ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है, जिसका अर्थ है कि आप स्टॉक की कीमत को प्रभावित किए बिना आसानी से व्यापार में प्रवेश या बाहर निकल सकते हैं। अस्थिरता। अस्थिरता इस बात का माप है कि स्टॉक की कीमत में कितना उतार चढ़ाव होता है। इंट्राडे ट्रेडर उच्च अस्थिरता वाले शेयरों की तलाश करते हैं क्योंकि ये लाभ कमाने के अधिक अवसर प्रदान करता है। हालांकि उच्च अस्थिरता का अर्थ उच्च जोखिम भी है, इसलिए अच्छी जोखिम प्रबंधन का अभ्यास करना महत्वपूर्ण है। क्षेत्र। विचार करने के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण कारक वह क्षेत्र है जो स्टॉक का है। बाजार में अलग अलग क्षेत्र अलग अलग प्रदर्शन करते हैं और ऐसे क्षेत्र को चुनना महत्वपूर्ण है जो वर्तमान में ऊपर की ओर चल रहा हो। समाचार और कार्यक्रम। किसी शेयर की कीमत पर समाचार और घटनाओं का बड़ा प्रभाव हो सकता है। उन समाचारों और घटनाओं के साथ अद्यतित रहना महत्वपूर्ण है जो आपके द्वारा व्यापार में रुचि रखने वाले शेयरों को प्रभावित कर सकते हैं। इसमें कंपनी की आय रिपोर्ट, आर्थिक डेटा रिलीज और राजनीतिक घटनाएं शामिल हो सकती हैं। तकनीकी विश्लेषण। अंत में इंट्राडे ट्रेडर अक्सर ट्रेडिंग अवसरों की पहचान करने के लिए तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करते हैं। तकनीकी विश्लेषण में स्टॉक की कीमत में पैटर्न और प्रवृत्तियों की पहचान करने के लिए चार्ट का अध्ययन करना और संकेतकों का उपयोग करना शामिल है। यह आपके पास है एक संक्षिप्त अवलोकन की इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक कैसे चुने। हमेशा अच्छे जोखिम प्रबंधन का अभ्यास करना याद रखें और जितना आप खो सकते हैं उससे अधिक निवेश न करें। देखने के लिए धन्यवाद।